हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों? तो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और हम लोग बेटा टोपोलॉजी में सेपरेशन एग्जाम्स पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे स्पेसेस के बारे में बताया था। खास तौर पे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी। देखो बच्चों, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इसको हम लेमा कहते हैं, और यूरिसन्स लेमा हम लोग यहाँ पर बच्चों आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा, इसको पढ़ने से पहले आप पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये वीडियो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए बेटा मेरे बच्चों, पुराने वीडियो देखना बहुत 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 जरूरी है। तो शुरुआत से देखिए, टोपोलॉजी पूरा पढ़िए, बहुत बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरिसन्स लेमा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या है, इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ में समझना होगा। प्रूफ थोड़ा बेटा इसका टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका प्रूफ वगैरह आएगा। एक्चुअली इस टाइप के जो बड़े बड़े प्रूफ होते हैं प्रोज मैथ में, एक्चुअली ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर होते हैं। तो आज से किसी ने पहले 100 साल पहले या 50 साल पहले कोई रिसर्च की होगी, उसमें इस बंदे ने ये प्रूफ निकाला होगा, तो वही हम आज यहाँ पर उसको दोबारा प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूरिसन्स लेमा। देखो बच्चों क्या है, बच्चों देखो ये लेमा क्या कहता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, बार बार मैं कह रहा हूं, पुराने वीडियोस बेटा जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेटा इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें काफी चीजों का यूज होता है जो हमने पुरानी बातें पढ़ी। ठीक है, URYSOHNS, यूरिसन्स लेमा। देखो बच्चों ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो F1 और F2 ये दोनों हमारे क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड सबसेट्स हैं। क्लोज्ड सबसेट्स हैं किसके? क्लोज सबसेट्स हैं एक नॉर्मल स्पेस है। ठीक है, नॉर्मल स्पेस होगा कोई, और नॉर्मल स्पेस के ये क्लोज्ड सबसेट है और डिसजॉइंट भी है। ठीक है, क्लोज सबसेट नॉर्मल स्पेस को ये होगा। नॉर्मल स्पेस क्या होता है ये आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था बच्चा पिछले वीडियोस में। ठीक है, और ये डिसजॉइंट भी है। जो F1 और F2 हैं वो डिसजॉइंट है, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है बच्चों ये यहाँ पर फाई है। ये बात भी ध्यान रखना, मतलब ये क्लोज सबसेट्स भी हैं और ये डिसजॉइंट भी है। डिसजॉइंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई है। ठीक है, तो कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एक कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट एक कंटिन्यूअस फंक्शंस, एक कंटिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। मतलब जो हमारा नॉर्मल स्पेस है वो डोमेन लें, और 0 1 क्लोज इंटरवल एक को डोमेन लें, तो यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होगा। और उस फंक्शन की खास बात क्या होगी कि अगर हम F1 की वैल्यूज निकालेंगे तो वो वैल्यू 0 आएंगी, और अगर हम F2 की वैल्यूज निकालेंगे तो वो वैल्यूज 1 आएंगी। देखो ध्यान दो, जैसे F1 क्या है, एक क्लोज सेट है। क्लोज क्या होता है, जो ओपन के कंप्लीमेंट से बनते हैं। ओपन क्या होते हैं, जो टॉपोलॉजी में आते हैं। टी होता है, टी के जो सबसेट्स होते हैं ना बेटा, टी में जो आते हैं वो सारे ओपन होते हैं, और उनके जो कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, क्लोज होते हैं। ये बातें आपको मालूम है, और बेटा नहीं मालूम है तो प्लीज स्टार्टिंग से टोपोलॉजी को बेटा पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए। क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, नॉर्मल स्पेस क्या होता है, T1 क्या होता है, T0 क्या होता है, हाउसट्रॉफ क्या होता है, ये सब बेटा मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस पढ़िए, और वो सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर उस पर पार्ट लिख दीजिए। पार्ट लिखने में क्या होता है ना कि वो स्पेस कम पड़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपनी पूरी चीज़ डिफाइन करनी होती है, इसलिए पार्ट डालने से स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। तो वो सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज है, आप पढ़ना शुरू करिए, वो मत सोचिए। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सब वीडियो जो आपको मिलेंगे वो सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगे, अपने आप ही मिलेंगे, परेशान मत होइए उसमें आप। ठीक है बच्चों, तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। तो कह रहे हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा
जिसकी डोमेन यही नॉर्मल स्पेस होगी एक्स, और कोडोमेन इसका 01 होगा। देखो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा है, हो सकता है ये वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए, तो समझ लेना कि अगले वीडियो में बची हुई चीज़ें आएंगी। कई बार क्या होता है जब लंबे वीडियो होते हैं तो इस सेटिंग ऐसी होती है कैमरे की, बीच में अपने आप ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर मैं लो क्वालिटी ले आऊँ तो लंबे वीडियो चल सकते हैं, जो मेरा कैमरा है उसकी कुछ ऐसी है, उसमें उसका कुछ अंदर सॉफ्टवेयर कि वो 50 मिनट के बाद वीडियो अगर बनेगा तो तोड़ देता है वो। तो मैं कोशिश करूंगा 50 मिनट से पहले ये वीडियो ख़त्म हो जाए, अगर नहीं ख़त्म होता तो निश्चित समझना इसकी बची हुई चीज़ें अगले पार्ट में आने वाली है। ठीक है, मैं उस क्लियर करके लूंगा को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो अच्छा, इसका कोडोमेन ये होगा, और कह रहे हैं कि इस फंक्शन में एफ वन जो है आपने क्लोज सेट लिया है उसकी वैल्यू 0 होगी और 1 की वैल्यू 1 होगी। मतलब एफ क्या है, एफ एक सेट है, सेट के अंदर बहुत से पॉइंट्स होंगे। तो कह रहे हैं कि पूरे सेट का इमेज 0 है, मतलब सेट के जितने पॉइंट्स होंगे उस सब का इमेज 0 है ना। पूरे सेट का जो इमेज है वह यहां पर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। देखो जैसे क्या होता है ना कि सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो हर पॉइंट की वैल्यू 0 होगी, और F2 के साथ भी यही होगा, F2 के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन सब की वैल्यू यहां पर 1 होगी, मतलब 1 की वैल्यू 0 होगी और 1 की वैल्यू 1 होगी। तो देखो ऐसे करके लिखा ना, ऐसे मतलब पूरे सेट का इमेज 0 है, मतलब सेट के हर पॉइंट का इमेज 0 है, मतलब पूरा का पूरा सेट जो है वो 0 पर जा रहा है। आप समझिए, जैसे कि मान लो एक सेट A है और A में 3 चीजें हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं यहां पर करूं कि ए बी सी इन तीनों को ही मान लो मैं 0 पर भेज दूं, तो मैं ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ ए बराबर 0, क्योंकि ए के 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों ही 0 पर जा रहे हैं, तीनों की वैल्यू जो है वो 0 पर जा रही है, इसको मैं ऐसे लिखेंगे। वही चीज यहां पर भी कि कैप जो एफ वन है जो कि क्लोज सेट है उसके सारे पॉइंट 0 पर जा रहे हैं और एफ टू के सारे पॉइंट 1 पर जा रहे हैं, ठीक है, ये यहां पर इसका मतलब है। तो ये फंक्शन क्या होगा, कौन सा होगा, वो हमको बताना है, वो निकाल के बताना है फंक्शन क्या होगा। अभी तो हमने कह दिया कि भैया एक फंक्शन होगा जो ऐसा काम करेगा, अब वो फंक्शन कौन सा होगा ये हमने यहां तो बताया नहीं। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाइए जो ये काम कर दे। अब बस यही इस फंक्शन की खास बात है, और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो बस हमें ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना है जो ये काम कर दे, बस यही हमारी थ्योरम है, यही हमारा लेमा है, लेमा, ठीक है। तो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना है जो ये काम कर दे और वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, तो बस यही इस थ्योरम में हमें करना है। अब देखो वो फंक्शन क्या होगा, वो ऐसे नहीं घर बैठे आप निकाल लोगे कि अरे यार मैं छत पे जा रहा था टहलते टहलते याद आ गया अरे हाँ ये फंक्शन होगा। वो इसी यूरिसंस किसी बंदे ने, मैथमेटिशियन की टीम ने मिल करके मेहनत करी, बहुत दिनों तक मेहनत करी, तो उन्होंने एक फंक्शन निकाल के बनाया। मतलब हो सकता है उनकी लाइफ भर की ये रिसर्च हो, एक एक थ्योरम को करने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। जब लोग पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में कोई एक आधी थ्योरम नहीं वो लेके आते हैं, उसी में दो दो तीन तीन साल उनको लग जाते हैं पीएचडी करने में। तो वही वो पीएचडी के रिसर्च पेपर होते हैं, एक नई थ्योरम मतलब एक नया रिसर्च पेपर उनका आ गया, वही चीज़ है। तो उन्होंने बंदों ने बहुत मेहनत करी होगी, तो वो फंक्शन बताया, क्या बताया अभी हम लोग देखते हैं, कौन सा फंक्शन है, कैसे लेना है, क्या उसकी खास बातें हैं, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो अब हम यहाँ पर सारी चीजें मिटा देते हैं क्योंकि देखो स्पेस कम पड़ जाएगा, ये हमारी थ्योरम है, हम एक फंक्शन ढूंढ के लाना है जो ये काम करे। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखते हैं कि नॉर्मल स्पेस है एक्स, एफ वन और एफ टू का इंटरसेक्शन फाई है, और क्या खास बात है कि f ऑफ f1 जो है वो मान लीजिए 0 है और f ऑफ f2 जो है वो मान लीजिए 1 है, और x क्या है बोलो, नॉर्मल स्पेस है। ये हमने इसकी शॉर्ट में यहां पर लिख दिया जो हमारी थ्योरम थी। अब हम इस थ्योरम को मिटा देते हैं और ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना, जो फंक्शन होगा वो x से लेकर के 0 1 तक होगा, और ये फंक्शन कैसा होगा बोलो, ये फंक्शन कैसा होगा बोलो, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये यहां पर बच्चों जरा समझो, बस समझे, देखो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग एक फजी सेट पढ़ते हैं, फजी सेट, उसमें भी कुछ इस टाइप की बातें ही हम लोग समझते हैं।
ठीक है, एक फजी एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, हो सकता आपके कोर्स में हो या पढ़ने वाले हो आप आगे चल के। ठीक है, देखो टाइम मिला तो मैं फजी पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। फजी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि टेंसर वगैरह तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, टेंसर है, फंक्शनल की खैर वीडियो कई दिन से नहीं आए, भी आएंगे, रियल पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से फजी होता है। टोपोलॉजी भी फजी के हेल्प से कई बार बनाई जाती है, फजी टोपोलॉजी कहते हैं उसको, है ना, उसमें कई लोग रिसर्च करते हैं फजी टोपोलॉजी में, बड़ा उसमें मतलब रिसर्च का आजकल चल रहा है। तो खैर देखो देखो, समझो बच्चों ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं थ्योरम का। बच्चों देखो, प्रूफ में हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एफ वन और एफ टू क्लोज्ड है, ये हमें गिवन है, ये दिया गया है सवाल में, और इनका इंटरसेक्शन जो है बच्चों ये फाई है, ऐसा हमको यहां पर दिया गया। देखो जैसे मान लो एफ वन है और एफ टू है, इनका इंटरसेक्शन मान लीजिए फाई है, दूर दूर है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसे ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जब एक थ्योरम प्रूव की थी नॉर्मल स्पेस की, हम लोगों ने अभी इस थ्योरम का यूज होगा वहां भी हमने ये बात समझी थी, जैसे कि ये F2 कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा F1 है ना, F1 वो F2 कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, ऐसा बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि F2 F1 कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों बातें बोल सकते हैं, लेकिन हमने मान लो इसमें से एक बात को ले लिया, ठीक है, क्योंकि F1 F2 क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन फाई मतलब दूर दूर है, क्योंकि F2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब F2 के अलावा सब कुछ, तो F1 उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, हमेशा उसके अंदर आ जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा, बस समझे, ऐसा होगा, ये बातें हमें सब मालूम है। देखो अब बेटा, जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी पिछली वाली थ्योरम, जिसको हमने बहुत डिटेल से बच्चों प्रूव किया था, वो थ्योरम देखो ये कहती है कि नॉर्मल स्पेस में, मान लो हमारे पास कोई नॉर्मल स्पेस एफ है, मान लो हमारे पास कोई नॉर्मल स्पेस एक्स है, और उसमें कोई क्लोज सेट एफ है और ओपन सेट जी है, और एफ जी में कंटेन करना चाहिए, अगर ऐसा है तो एफ क्या है क्लोज, जी क्या है ओपन, ये थ्योरम जो पिछली बार हमने वीडियो में इसको प्रूव किया था, उस थ्योरम को बता रहा हूं कि उस थ्योरम की हमें यहां हेल्प लेनी है। एफ क्या है बच्चों, क्लोज, और जी क्या है बोलो ओपन, ठीक है, एफ है क्लोज और जी क्या है बच्चों ओपन, ठीक है, और एफ जी का सबसेट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो एक ओपन सेट वी एग्जिस्ट करता है और वो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि F जो है V का सबसेट होगा और V V क्लोजर का सबसेट होगा और ये G का सबसेट होगा। ये हमने थ्योरम आपको बताई थी पिछले क्लास में कि एक ओपन सेट V ऐसा मिलेगा, V V क्या होगा ओपन, F क्या है क्लोज और G क्या है बोलो ओपन, F है क्लोज और G है ओपन, है ना, ये कैसा है क्लोज, ये है G ओपन, और क्लोज G के अंदर आना चाहिए, तो एक V एग्जिस्ट करता है, एक V ऐसा मिलता है जो ओपन होता है और वो इस कंडीशन को पूरा करता है। यही हमारी बेटा पिछली थ्योरम थी, पिछले ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये थ्योरम बताई थी, इसको प्रूव भी किया था, और ये सब कुछ नॉर्मल स्पेस में चलता है, बस समझे, बोलो ये V क्या है, V वार का मतलब क्लोजर ऑफ V, ये सब मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, ठीक है। देखो अब वही देखो यहां पर भी है कि F2 F1 दोनों क्लोज हैं, तो F1 तो क्लोज ही है, लेकिन जो F2 कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि क्लोज का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो ये वही देखो G का काम करेगा और F1 जो है ये F का काम करेगा, बस समझे, G का काम कौन करेगा, G का काम ये F2 कॉम्प्लीमेंट करेगा, और F1 कौन, F का काम कौन करेगा, F का काम भी F1 करेगा, क्योंकि F1 क्या है क्लोज और यहां पर भी F क्या है क्लोज, और ये क्या है ओपन और यहां पर ये क्या हो गया बोलो ओपन, तो जी की जगह F2 कॉम्प्लीमेंट, F की जगह F1, और एक V ऐसा मिलना चाहिए, तो हमने मान लो वो V मान लिया कि मान लो हमें एक देन वी गेट ओपन जी हाफ, मान लो मैंने एक ओपन मान लिया जो इसका नाम जी हाफ कह दिया, अब जी हाफ ही क्यों कहा वो भी आगे समझोगे कि भाई जी हाफ क्यों कहा, ठीक है, जी टू जी फोर क्यों नहीं कहा, अब बताएंगे सब बताएंगे, प्रश्न देखो मान लो मतलब जो वी का काम ये जी हाफ करेगा, तो अब हम इस थ्योरम को लगा दें, हमने अब इस थ्योरम को हम यहां पर लिखेंगे साइड में, कहेंगे भाई इस थ्योरम की हेल्प से ये आ रहा है, है ना, अब जो ये काम है ना ये वी का काम ये करेगा, देखो क्या मिलेगा, मतलब ये दोनों दिया गया है
और वी हमारे पास आएगा। एफ और जी दिए जाते थे, वी एग्जिस्ट करता था, तो वही जी हाफ एग्जिस्ट करेगा, है ना। ओपन सेट जी हाफ एग्जिस्ट करेगा और वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा क्या कि एफ वन और सबसेट क्या है, देखो यहां पर जी हाफ और सबसेट क्या है बोलो, सबसेट क्या है बोलो, जी हाफ का क्लोजर और सबसेट ये क्या हो गया एफ टू कॉम्प्लीमेंट। देखो ये थ्योरम हमने यहां पर लगा दिया और कुछ नहीं किया, उस थ्योरम से हमने यहां पर लिखा सब कुछ। एफ वन क्या है ओपन, ये क्या है क्लोज, और ये दोनों में हमको एग्जिस्ट करेंगे जो वी की जगह वो काम करेंगे। देखो अब जरा बच्चों ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे देखो फिर से समझो। अब देखो इसमें भी F1 क्या है ओपन और G हाफ, सॉरी F1 क्या है क्लोज और G हाफ क्या है ओपन, तो यहां भी देखो एक क्लोज सेट एक G हाफ का सबसेट है, जैसे यहां पर था एक क्लोज सेट एक ओपन का सबसेट है, तो ऐसा होता है ये थ्योरम है। यहां पर भी देखो एक क्लोज और एक ओपन का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब एक और G एग्जिस्ट करेगा जो ओपन होगा, मतलब इनके बीच में भी हमें एक V मिल जाएगा। V का मतलब, अब देखो V का मतलब मैंने मान लिया कि इनके बीच में भी हमें एक G 1/4 मिल जाएगा। और इसी प्रकार देखो यहां पर भी चूंकि ये जो है ना G हाफ ओपन है लेकिन उसका क्लोजर क्या हो गया क्लोज, तो ये क्लोज हो गया, और F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ओपन। देखो यहां पर भी एक क्लोज, क्योंकि क्लोजर जो है वो हमेशा क्लोज ही होता है, किसी भी सेट का अगर हम क्लोजर निकालेंगे हमेशा क्लोज होता है, तो G क्लोजर, क्लोजर हमेशा क्लोज हो गया, तो क्लोज एक ओपन का फिर सबसेट हो गया, तो यहां पर भी फिर हमें एक ओपन मिल जाएगा। और मान लो वो ओपन मिला G 3/4 मान लो, क्योंकि आगे बढ़ गए इसके बीच में आएगा तो वो 1/4 होगा और हाफ के आगे आएगा तो 3/4 ही होगा क्योंकि इसके बीच में, तो देखो ये दोनों फिर हमें नए वी मिल जाएंगे इसके लिए और इसके लिए, फिर वही सेम लैंग्वेज लिखनी है चूंकि ये एक क्लोज है और ये ओपन है, क्लोज क्या है ओपन का सबसेट, तो इनके बीच में फिर एक ओपन सेट मिलेगा, वही V एक फिर से मिलेगा जो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब F1 होगा तो वो क्या होगा G 1/4 होगा और वो क्या होगा 1/4 का क्लोजर होगा, और ये फिर से देखो यहां पर G हाफ होगा, ठीक है, और ये देखो फिर से यहां पर G 1/2 रहेगा, इसके बीच में देखो ये यहां पर होगा V, V का काम कौन करेगा G 3/4 करेगा, और फिर देखो ये अपना क्लोजर होगा G 3/4 का क्लोजर, और फिर ये होगा F2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसा देखो यहां पर हमने ये लिखा है ना। फिर से देखो यहां पर अपना ये वही, इसके बीच में एक V मिल गया और इसके बीच में एक V मिल गया। एक सेकंड बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोन आ गया है, बस 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 दो सेकंड में आया, इसको जरा लिखो ध्यान से। सॉरी भाग के आ गया, समझ गया ना बात को, बोलो। तो मतलब जब भी एक क्लोज एक ओपन के अंदर होगा तो एक वी मिलेगा जो ओपन होगा, देखो यहां पर वी मिल गया ये, तो इसके बीच में देखो ये वी और ये वी का क्लोजर, ये अपनी जगह ऐसे ही, ये अपनी जगह ऐसे ही, फिर इन दोनों के बीच में देखो एक वी जी 3/4, ये क्या है बोलो जी 3/4, और एक उसका क्लोजर और ये एज इट इज, है ना, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट है F2 complement, ठीक है ना, ऐसे। तो बात समझे, इनके बीच में फिर देखो एक, अब देखो तभी हमने ये G half लिया था क्योंकि हमको मालूम था और भी नए नए आएंगे अभी, तो एक सीक्वेंस बनता रहे कि भाई हाफ के बीच में 1/4 और ये 1/2 के बीच में 3/4, 1/2 से आगे जाना तो 3/4, तो देखो इस तरीके से बच्चों ये हमें यहां पर मिल जाएगा, इसको जरा नोट करो बच्चों यहां पर ध्यान से, ठीक है। अच्छा अब देखो, अच्छा इसी प्रोसेस को फिर आगे बढ़ा दो, फिर आगे बढ़े देखो, फिर ये क्लोज है ये ओपन है, फिर इसके बीच में कुछ मिलेगा, फिर देखो यहां पर ये क्लोज है ये ओपन है, इसके बीच में फिर कुछ मिलेगा, तो ये नए नए जी बनते जाएंगे
तो ये फिर से हमें नए नए जीव बहुत सारे मिलते जाएंगे। मान लो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, है ना, तो कंटिन्यू सेम प्रोसेस, ठीक है, वी गेट, मान लो हमें बहुत सारे मिलेंगे क्या, GT1, GT2, GT3, ये सब हमें मान लो बहुत सारे मिलेंगे। T1 का मतलब वही हाफ, GT2 मतलब T1, T2, T3 इन्हीं में से कुछ होंगे, मतलब जो T1, T2 और T3 है ना, ये सारे इसी टाइप के कुछ होंगे। ये मतलब 1/4 होंगे, ये 1/2 होंगे, ये 3/4 होंगे, ऐसे करके होंगे। तो इनको एक जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होंगी ना, ये m/2 की पावर n होंगी, और m इसमें क्या होगा, m वैल्यू लेगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और ये 2 की पावर n, मतलब नीचे का टर्म ऊपर का टर्म हमेशा ऐसा कुछ होगा, और नीचे का टर्म 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के देखो हमें ये सारे t की वैल्यूज इस टाइप की मिलेंगी, इस टाइप की। देखो बच्चों हमें यहाँ पर ये सारी टी की वैल्यूज मिलेंगी, इनमें से किसी को भी हम T1, T2, T3 वगैरह मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हो रहा है ना, ये सब वैल्यू हमको मिल रही है। इस प्रकार के देखो हमें ये T1, T2, T3 ये सब मिल रहे हैं, ये बहुत सारे हमको मिलते चलेंगे। आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो ये बढ़ते जाएंगे। जैसे 1/4 मिला, फिर 1/8 मिलेगा, 1/16 मिलेगा, इधर भी देखो 3/4 मिला, 3/8 मिलेगा, 5/8 मिलेगा, ऐसे करके चीजें यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, लिखो जरा इसको ध्यान से यहां पर। अच्छा, अब देखो इस टाइप के जो सेट होते हैं ना, तो इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। इस टाइप की देखो जो वैल्यूज होती है ना, इस टाइप की देखो जो वैल्यूज यहां पर होती हैं, मतलब ये टी की वैल्यू नहीं है, मतलब ये टी के नीचे जो T1, T2, T3 हो रहा है ना, इनकी वैल्यूज हैं। देखो यहां पर ये मिलेंगी ऐसे, जैसे T1 की वैल्यू इनमें से कुछ हो सकती, T2 कुछ हो सकती, इसको T1, T2, T3 कह दिया। इस टाइप की वैल्यूज ये सब होंगी जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, और वो सब नीचे आएंगी, जैसे GT1, GT2, इनमें वो सब नीचे वैल्यूज हमको दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप की जो वैल्यूज होती है, देखो इसको एक नया नाम दिया जाता है, इस टाइप की जो वैल्यूज होती है इसको डायडिक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका हालांकि कोई यूज नहीं है इस नाम का, कई किताबों में ये नाम दे दिया तो बच्चे परेशान होते हैं ये क्या होता है। इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं इसको डायडिक फ्रैक्शन कहते हैं, DYADIC फ्रैक्शन, है ना, इस टाइप की वैल्यूज को, और कोई इसमें खास बात नहीं है। देखो अब जरा इस प्रोसेस को हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, और इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे करके लिख देंगे हम लोग। देखो इसमें जरा एक बात यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखो जैसे अगर ये T1 है 1/4, मान लो ये T1 है, ये T2 है, मान लो ये अगर T1 है अपना और ये अपना T2 है, तो देखो हमेशा हो क्या रहा है कि अगर T1 को 1/4 मान लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो T1 को 1/4 मान लें और T2 को 1/2 मान लें, यहां पर देखो दिख रहा है T1, देखो हमेशा क्या हो रहा है, जो GT1 है वो GT2 से कम है। देखो यहां पर ये ध्यान दो क्या हो रहा है कि GT1 जो है वो सबसेट है GT1 बार का, और वो सबसेट है GT2 का, और वो सबसेट है GT2 बार का, हमेशा ये बात होगी हमेशा। देखो जो ये है G1/4, ये G क्लोजर 1/4 का सबसेट है, फिर देखो यहां पर ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये देखो इसका है, ये GT2 है, ये मान लो GT1 है, T1 देखो अगर T2 से छोटा है तो, है ना, अगर T1 T2 से छोटा है तो ये बात हमेशा आप यहां पर फील करेंगे, ऐसा हमेशा यहां पर होगा, ये बात ध्यान दो, इसका बहुत आगे यूज है कि GT1 क्लोजर का सबसेट है, ठीक है ऐसे, और ये जो सबसेट है वो ये GT2 का है, और ये जो सबसेट है वो GT2 क्लोजर का है, हमेशा देखो जैसे यहां पर ये T1 है 1/4 और ये T2 है, देखो ये प्रोसेस हमेशा यहां पर हो रहा है, आगे भी ये कंटिन्यू करेगा, जब भी T1 T2 से छोटा होगा तो हमेशा ऐसा होगा। और ध्यान रखना है सारे जी कैसे हैं ओपन, ये सारे जी कैसे, हाँ, और क्लोजर कर दोगे तो वो क्लोज हो ही जाएगा, सॉरी ये GT2 जी के ऊपर क्लोजर है, GT2 क्लोजर, और यहां पर GT1 क्लोजर,
जी के ऊपर क्लोजर है, तो क्लोजर कर दोगे तब तो बेटा वो क्लोज हो ही जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं। तो ऐसा हमेशा आप ये बात यहां पर देखेंगे। और हां ये भी ध्यान रखो कि ये जो है F1 से बड़ा होगा और ये F2 कॉम्प्लीमेंट से छोटा होगा, ये शायद ना दिख रहा हो, चलो कोई बात नहीं, है ना। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, F2 कॉम्प्लीमेंट, ये F2 कॉम्प्लीमेंट से छोटा होगा, कोई बात नहीं, इतना तो समझ गए यार, तुम तो समझदार भाई हो, भाई हो बहन हो सब कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। अच्छा देखो ये लिखा हमने, अब देखो ये बातें ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा, इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का आगे यूज होगा, इन बातों का आगे यूज होगा, तभी जो बातों आगे यूज होगी इसको साइड में लिख रहा हूं, इनको मिटा देते हैं, इनका यूज यहां पर नहीं होगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, जिस फंक्शन की ये बात कर रहे थे कि बताओ भैया कौन सा फंक्शन है, तो हम क्या बनाएंगे, हमारे मैथमेटिशियंस ने बनाया हुआ है, हम उसको बस लिख रहे हैं कि भाई देखो ये फंक्शन आया, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक फंक्शन निकाला जो इन कंडीशन को पूरा कर रहा है, और वो उनकी मेहनत है, सालों की मेहनत है, रिसर्च है बेटा, हर थ्योरम एक रिसर्च पेपर होते हैं, खासकर जो बड़े बड़े थ्योरम हैं, ठीक है, वो ऐसे आसान नहीं कि आप सोचो मैं छत पे टहलाता एक फंक्शन याद आ गया हमको तो मैंने लिख दिया चलो, है ना, कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो भाई देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकना ठीक नहीं होता बच्चों, सच बोलना सही रहता है, तो मैं हमेशा सच बोलता हूँ बच्चों से, देखो बच्चों ऐसा है, चलिए खैर आगे बढ़े, इन सबको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है इनकी हमको, चलो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें एक ये फंक्शन ढूंढना है जो इस कंडीशन को पूरा करे, यही हमारी थ्योरम है, है ना, एक ऐसा फंक्शन, अच्छा ध्यान रखना जो t की सारी वैल्यूज का सेट आएगा ना, इसको हम d कह देते हैं, d कैपिटल d, हाँ ट्रायडिक फ्रैक्शन, मतलब t की सारी वैल्यूज का जो सेट है ना, इसको हम d कह देते हैं, t की जितनी वैल्यूज आएंगी, है ना, मतलब जैसे t की जितनी वैल्यूज आएंगी उन सबको हम D कह देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना ये T की वैल्यूज हैं जो यहाँ पर नीचे आ रही हैं, जिनको हम GT1, GT2, GT3 भी कई बार कह देते हैं, ठीक है, चलो इन सबको डायडिक फ्रैक्शन मतलब D कहते हैं, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, चलो इसको मिटाया। अब देखो वो फंक्शन क्या होगा जो इन कंडीशंस को पूरा करेगा, जरा हम उस पर ध्यान दें, वो फंक्शंस क्या होगा जो इन कंडीशंस को पूरा करेगा। देखो हमने कहा मान लो एक फंक्शन हमने बनाया एफ एक्स, और उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो वन है, अगर एक्स एफ टू में आ रहा है तो एफ टू क्या था क्लोज, है ना, और मान लो उस फंक्शन की वैल्यू है इन्फिमम ऑफ टी such that x belongs to gt, ठीक है, और ये तब है जब x जो है वो f2 में नहीं है, ठीक है, और ठीक है या ऐसा कह दो, क्योंकि अगर x f2 में नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x f2 के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन x को gt में होना चाहिए, है ना, gt, gt मतलब यही सब, x जो है वो f2 के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, लेकिन x gt में भी आएगा, gt मतलब इनमें से कुछ भी एक होगा, है ना, x अगर f2 में आ गया तो वैल्यू 1 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर x f2 में नहीं आया तो वैल्यू ये होगी इसका इनफिमम, इन सारे t का इनफिमम। देखो ध्यान दो, देखो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, मतलब ये हमें दिया नहीं गया, ये हमने अपनी तरफ से लिखा, हमारे मैथमेटिशियंस ने ये फंक्शन निकाला कि भैया ये फंक्शन होता है जो इन कंडीशन को पूरा करता है, मतलब जो कंटिन्यूअस भी होगा और इन कंडीशंस को पूरा करेगा। देखो ध्यान दो, पहली कंडीशन क्या, देखो ये F2 1 होना चाहिए, देखो ये तो क्लियर दिखा है F2 1 है,
कि एफ एक्स की वैल्यू 1 है अगर एक्स एफ टू में होगा, मतलब एफ टू के जितने पॉइंट है सबके लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। वो यहां पर चाहिए था, हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, वो फंक्शन लिया ही हमने ऐसा। अच्छा, एफ ऑफ एफ वन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, एफ टू के कॉम्प्लीमेंट में है एक्स, एक्स क्या है एफ टू के कॉम्प्लीमेंट में है, और हमने देखा था जो एफ वन है वो एफ टू के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट था, है ना, जो हमने ओपन लिया था, जो क्लोज दिया था वो एफ टू कॉम्प्लीमेंट को ओपन था। अच्छा, अब देखो अगर एक्स एफ टू कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, लेकिन एक्स, देखो यहां पर ध्यान दो, एफ टू कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन एक्स जो है वो जी टी में है। अब देखो अगर एक्स जी टी में है, एफ वन क्या है जी टी का सबसेट, इसका मतलब एक्स एफ वन में रहा होगा, बस समझे। तो इसका मतलब एक्स, ये तो पहली कंडीशन पूरी हो गई जो ये वाली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा ठीक है ना, कि मतलब एक्स कुछ भी हो वैल्यू उसकी वन पर ही जाएगी, तो मतलब पूरे एफ टू की वैल्यू वन पर चली जाएगी, यहां से बात पूरी हो गई। अब देखो एक्स चूंकि जी टी में है सेकंड केस में, तो इसका मतलब एक्स एफ वन में भी होगा, ठीक, क्योंकि एफ क्या है सारे जी टी का छोटा है, सब जी टी से छोटा है, तो जी टी का मतलब इनमें से कोई एक, जी टी का मतलब इनमें से कोई एक। तो एक्स अगर जी टी में है तो एक्स एफ वन में होगा, अगर एक्स एफ वन में है तो जो फंक्शन लेना है वो इनफिमम ऑफ ऑल टी लेना है। अच्छा, अब देखो जो टी की वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8, इस प्रकार टी की वैल्यू है सारी, वही डी जो था। अब ये वैल्यू देखो कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है ये वैल्यू, मतलब ऐसे करके देखो, ये 0, फिर 1/2 था, फिर 1/4 आएगा, फिर यहाँ पर 1/8 आएगा, 1/16 आएगा, ऐसे वैल्यू 0 करीब जा रही। तो अगर हम इन सब का इनफिमम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, इन सारी वैल्यूज का इनफिमम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये सब 0 से थोड़ी 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 बड़ी है। इनफिमम जानते हो ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये भी मैंने बेटा पढ़ाया था स्टार्टिंग में, देखो टोपोलॉजी में ग्रेटेस्ट, GLB क्या होता है, SUB क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इनफिमम क्या होता है, सब मैंने बताया था, ठीक है ना, याद है। तो इन सब का इनफिमम 0 हो जाएगा, इसीलिए अगर एक्स एफ वन में है तो वैल्यू फंक्शन की 0 हो जाएगी, और ये हमें चाहिए था। देखो ये कंडीशन भी यहां से पूरी हो रही है। अच्छा, अब देखो बड़ी समस्या है, मतलब कि एफ वन में है तो वैल्यू 0, ये बात पूरी हो गई, दोनों बातें पूरी हो गई। अब हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है। तो देखो जैसे आमतौर पे यार लग रहा है कि वैल्यू या तो 0 है या 1 है, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा। जैसे कि एक फंक्शन लो आप, कुछ पॉइंट पर वैल्यू 0 है और कुछ पॉइंट पर वैल्यू 1 है, कुछ पॉइंट पर वैल्यू 0 है और कुछ पॉइंट पर वैल्यू 1 है, तो कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, बहुत गैप है 0 और 1 के बीच में। लेकिन ये जो है ना, वो हम एक्चुअली 1 वेरिएबल के फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये जो है टोपोलॉजिकल फंक्शन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग चलता है ऐसा ना। देखो टोपोलॉजी में फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की एक कंडीशन होती है, हालांकि अभी हमने टोपोलॉजी में कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे सेपरेशन एग्जाम खत्म होने के बाद, शायद ये सेपरेशन एग्जाम का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यूअस फंक्शन ही शुरू करेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, मतलब इसको हमें कंटिन्यूअस दिखाने के लिए फिर एक थ्योरम का यूज कर रहा है, जो कि टोपोलॉजी में कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। क्या थ्योरम है समझो, ठीक है, इसको लिखो। तो देखो ये कंडीशन दोनों पूरी हो गई, अब देखो हमें इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसको मिटा देते हैं, ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब हमें इस फंक्शन को दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। देखो, टू शो दैट दिस फंक्शन
इज कंटिन्यूअस। अब हमें यह शो करना है कि यह फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखो उसके लिए अब हम फिर एक थ्योरम पर जाएंगे। देखो थ्योरम क्या है, देखो एक थ्योरम होती है जो कि हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ते हैं। थ्योरम देखो क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एफ इनवर्स 0a एंड एफ इनवर्स b1, मतलब देखो ये एक सेट है 0 से लेकर a तक, a पर क्लोज है, और यहां पर देखो एक सेट है b से लेकर 1 तक, b पर ओपन है 1 पर क्लोज है। मान लो ये दो हमारे पास सेट्स हैं, यहां पर 0 पर क्लोज है और a पर ओपन है, ठीक है, और यहां पर b पर ओपन है और 1 पर क्लोज है, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स की इनवर्स इमेज, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो देखो x से लेकर के 0,1 तक था, ये फंक्शन कहां से कहां तक था, x से लेकर 0,1 तक था। तो जब हम इनवर्स इमेज निकालेंगे तो उल्टे फंक्शन की निकालेंगे, फंक्शन और उसकी इनवर्स इमेज। तो इनवर्स इमेज में देखो हमने ये लिया a और b क्या है, a और b 0,1 के बीच में है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों इनवर्स इमेजेस, अगर ये दोनों इनवर्स इमेजेस, ठीक है, अगर ये दोनों इनवर्स इमेजेस ओपन हो जाए, ओपन सबसेट्स, ठीक है, ऑफ x, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, बोलो, कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन की एक थ्योरम होती है, टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मजबूरी में थ्योरम बेटा बता रहा हूँ कि इसका यहाँ पर यूज है, हम लोग पढ़ लेंगे, परेशान मत हो, टेंशन नहीं करो, टेंशन लाइफ में कभी नहीं करना बेटा, मस्त हो के हमेशा पढ़ना, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, याद नहीं करो, समझो, दिमाग लगाओ, उसी में मजा है। जो मजा बेटा एक टफ सवाल को सॉल्व करने में है ना, वो व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे कोई खतरनाक वीडियो देखने में नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। आप लोग खूब पिछड़े उल्टी ही देखते हो गए आजकल, वो सब छोड़ो, अब पढ़ाई में लग जाओ, यही जीवन है बेटा, ठीक है। अभी नहीं समझ रहे हो, आगे चल के समझोगे इन बातों को, यही लाइफ है। चलो खैर जाने दो। तो अगर ये दोनों ओपन सबसेट हैं x के, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तो अब देखो ये थ्योरम हमें यूज करनी है कंटिन्यूअस शो करने के लिए, कंटिन्यूअस शो करना, लेकिन थ्योरम ये यूज करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस दिखाएंगे, उसके लिए इसका यूज करना, ये चीजें कंटिन्यूअस, ये चीजें जो है ओपन चाहिए, ये चीजें ओपन चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा एफ इनवर्स है क्लोज 0 ए ओपन, ये है यूनियन ऑफ ऑल जी टी इफ टी लेस देन ए एंड एफ इनवर्स b1 पर क्लोज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल जी टी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इफ टी ग्रेटर देन बी। देखो ध्यान दो, जी क्या है, ये सारे जी ओपन है, तो अगर हम ये शो कर दें कि ये चीज ओपन सेट का यूनियन है, इसका मतलब ये ओपन हो गया, क्योंकि हमें ये चीजें ओपन दिखानी है। ये सारे क्या है, ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट्स का यूनियन भी क्या होगा, ओपन। और देखो जी जी क्लोजर क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या आ गया, ओपन, तो मतलब ये भी सब ओपन है, तो ये भी सारे ओपन है, ये भी सारे ओपन है, तो ओपन का यूनियन भी क्या होगा, ओपन। और देखो जी टी क्लोजर क्या है, क्लोज्ड, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ओपन, तो ये भी सारे ओपन है। तो अगर हम ऐसा दिखा दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, ओपन, और जैसे ये दोनों ओपन हो गए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कुल मिला के सारी बात ये आई कि अब हमें ये बातें शो करनी है कि भाई ऐसा है, कि भाई ऐसा है, ठीक है। अगर हमें ये बातें शो हो गई तो मतलब ये दोनों कैसे हो गए,
ओपन हो गए, और अगर ये दोनों ओपन हो गए तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। बस समझे? तो अब इन्हें कैसे प्रूव किया जाए? देखो बस इसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना, इसको लिखो। अब सारी बातें मिटा दें, सब बातें यहां से खत्म हो गई, फंक्शन को लिख लें। ये फंक्शन यहां पर लिख लेते हैं कहीं, ये फंक्शन काम का है बेटा, ये फंक्शन अपने काम आएगा। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन पूरी कर दी, दोनों पूरी कर दी, अब कंटिन्यूअस की कंडीशन हम पूरी करने जा रहे हैं फंक्शन की, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं यहां पर है। इसकी जगह हम लोग ये फंक्शन यहां लिख लेते हैं, जो फंक्शन हमने यहां पर डिफाइन किया। इस फंक्शन के लिए हमें ये बातें प्रूव करनी है, आप समझिए, इस फंक्शन के लिए हमें ये बातें प्रूव करनी है, ठीक है, समझिए। ये भी सब मिटा देते हैं यहां से। देखो क्या है, ये फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन जो है बच्चों, ये है वन, अगर एक्स एफ टू में आ रहा है तो, और फंक्शन की वैल्यू है इनफिमम ऑफ टी अगर एक्स टी जी टी में आता है, और एक्स जो है वो एफ टू कॉम्प्लीमेंट में आता है, तो ऐसा है ये फंक्शन हमने यहां पर लिया है, ठीक है। फंक्शन की दो वैल्यू है, अगर एफ टू कॉम्प्लीमेंट में आएगा तो ऐसा होगा, अगर एफ टू में आएगा तो ऐसा होगा, और हमें ये बातें प्रूव करनी है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और जो प्रूव करना है उसको यहां लिखते हैं। देखो दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, पहला प्रूव करना है एफ इनवर्स क्लोज जीरो ए ओपन की वैल्यू होगी यूनियन ऑफ जी टी टी लेस देन ए, ये तो दिख रहा है ना, हाँ ये तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी देखो ये प्रूव करनी है क्या, कि एफ इनवर्स बी ओपन वन क्लोज यूनियन ऑफ, अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटों बच्चों, कि जैसे ये जो थ्योरम के प्रूफ है ना बेटा, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीकों से दिए जाते हैं। हो सकता है तुम कोई किताब पढ़ो और तुम कहो अरे यार यहां तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रश्न मत, मैं समझा रहा हूं। देखो ये बातें प्रूव करनी है, ठीक है, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए हमें ये बातें प्रूव करनी है, क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ध्यान दो, टी ग्रेटर देन बी है और टी लेस देन ए है, तो यहां पर ये होना भी चाहिए। देखो ये सब मिटा देते हैं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, जाते हुए। देखो बच्चों समझो, अब हमें बच्चों क्या करना है, देखो फर्स्ट को प्रूव करना है, मतलब दो चीजों को इक्वल प्रूव करना है। एक्चुअली क्या है, ये दोनों अपने आप में सेट है, एक्चुअली फंक्शन भी एक प्रकार का सेट ही होता है, तो दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने बताया था पहले भी कई बार कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम पहले प्रूव करते हैं कि ए बी का सबसेट है, फिर प्रूव करते हैं बी ए का सबसेट है। अगर हमने ये दो काम कर दिए तो इसका मतलब दोनों चीजें आपस में बराबर, तो फंक्शन भी एक प्रकार का सेट है और ये तो खैर सेट है ही, तो हमें दोनों सेट इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, फिर प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दो काम करने, मतलब सबसे पहले हमें करना है कि ये इसका सबसेट है। अच्छा सबसेट प्रूव करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हमसे कहा जाए कि ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करिए, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ए में मानते हैं और प्रूव कर देते हैं कि वो बी में भी है। मैंने बताया था बच्चों थोड़ा वो सेट्स पढ़ लो, 11 क्लास का सेट्स मेरा अलग प्लेलिस्ट है पूरा, उसमें जाकर बच्चों थोड़ा सेट्स पढ़ लो, बहुत फायदा रहेगा, बहुत से बच्चों ने पढ़ भी लिया है, क्योंकि सेट्स स्टार्टिंग से पढ़ लो, उसमें ये सब बातें बहुत डिटेल से मैंने समझाई हैं। जनरली बच्चों का प्योर में समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये सेट्स हैं फंक्शन बच्चों के वीक होते हैं थोड़े से, इनको थोड़ा बेटा पढ़ो, मैं सब मेरे वीडियो हैं प्लेलिस्ट में,
उसको जाके अच्छे से पढ़ो, सब समझ में आएगा। फिर मैंने समझा दिया काम भर का। अब देखो जैसे ये दोनों इक्वल प्रूव करने, तो पहले हम प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हम प्रूव करेंगे क्या कि ये इसका सबसेट है। तो F इनवर्स क्लोज जीरो ए ओपन सबसेट ऑफ दिस यूनियन ऑफ जी टी और टी लेस देन ए। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, सबसे पहले हम ये बात प्रूव करेंगे, इसके लिए ये स्टेप। फिर सेकंड में ये इसका सबसेट है प्रूव करेंगे, देखते हैं उसको बाद में। तो इस फर्स्ट को प्रूव करने के लिए दो पार्ट करने होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड जो हम करने जा रहे हैं, दूसरा करेंगे राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, उसको भी बाद में हम करेंगे। तो अगर ऐसा कर दिया तो दोनों बातें इक्वल प्रूव हो गई, बात खत्म हो गई। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सबसेट प्रूव करना है इसका, तो हम एक एलिमेंट इसमें मानेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स क्लोज जीरो ए ओपन। हमने ऐसा मान लिया कि मान लो एक्स इसमें आ रहा है, एक एलिमेंट लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे ये एलिमेंट इसमें भी है। इसमें एक एलिमेंट माना, अब ये प्रूव करेंगे ये एलिमेंट इसमें भी है। देखो ध्यान दो, चूंकि एक्स ऐसा है तो हम कह सकते हैं अगर x ऐसा है तो एफ एक्स कहां जाएगा, एफ एक्स जाएगा जीरो और a के बीच में, क्योंकि देखो ये इसका इनवर्स इमेज है। तो एफ एक्स जो है वो क्लोज जीरो और a के बीच में जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो हम ऐसा मान लें कि मान लो लेट देयर एग्जिस्ट, लेट देयर एग्जिस्ट टी एक्स, वही टी वन टी टू टी थ्री जो थे उनमें से मान लो मैंने कहा कि एक टी एक्स है और वो टी एक्स उसी डी में से, डी मतलब वही सारे टी वन टी टू टी थ्री का सेट। मान लो एक टी एक्स है जो उस डी में आ रहा है, मान लो, मान लिया लेट देयर एग्जिस्ट, लेट मतलब मान लिया हमने, ठीक है, सच दैट कि ये जो हमारा टी एक्स है ये ए से छोटा है लेकिन ये एफ एक्स से बड़ा है। देखो जो टी एक्स है ना, टी एक्स चूंकि टी भी जीरो और वन के बीच में है, जितने टी हमने लिए थे जो टी की वैल्यूज थी वो सारी जीरो और वन के बीच में थी। टी की वैल्यू क्या थी, वन बाई टू, वन बाई फोर, थ्री बाई एट एंड सो ऑन, ये सब जीरो वन के बीच में थी। और यहां पर देखो टी क्या है, इससे कम, बस समझे ना। तो हमने जानबूझकर ऐसा टी माना जो कि ए से कम है लेकिन वो फंक्शन से बड़ा है। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो और वन के बीच में है क्योंकि तो फंक्शन जो था वो कहां से कहां था, एक्स से जीरो वन तक था, तो मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो भी जीरो वन के बीच में ही होगी और टी भी जीरो वन के बीच में है। तो हमने कहा मान लो एक ऐसा टी है जो एफ एक्स और ए के बीच में है, ये ए भी वन से छोटा है, तो हमने कहा मान लो ऐसा टी हमें मिलता है जो एफ एक्स और ए के बीच में है, मान लो, है ना, क्योंकि ये सब जीरो वन के बीच में चल रहे हैं, फंक्शन भी, टी भी, ए भी, ए भी देखो ए और बी दोनों के दोनों क्या है, जीरो वन के बीच में, मैंने बताया था ए और बी दोनों के दोनों क्या है, बोलो, जीरो और वन के बीच में, ठीक है। तो हमने कहा मान लो एक ऐसा टी एक्स मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अच्छा अब देखो हमारा जो फंक्शन है उसके हिसाब से अगर टी एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जो हमारा एक्स होगा, ठीक है, जो हमारा एक्स होगा क्योंकि फंक्शन हमने ये माना है, है ना, हमारा जो एक्स होगा वो जी टी एक्स में लाई करेगा, क्योंकि देखो एक्स जी टी में है, एक्स का, हाँ जी टी, जी टी मतलब टी की कोई वैल्यू, तो हमने मान लिया कि वही टी की वैल्यू हमारी टी एक्स है, वही टी की वैल्यू हमारी टी एक्स है, है ना। और टी जो है देखो ए से छोटा तो लेना ही था हमको यहाँ पर, क्योंकि हमें इसमें लाना था एक्स को, एक्स को इसमें लाना था, तो हमने जानबूझकर टी को ए से छोटा लिया। एक ऐसा टी मिलेगा क्योंकि टी बहुत सारे, एक ऐसा टी मिलेगा जो एफ एक्स से बड़ा होगा क्योंकि टी तो इन्फाइनाइट है, तो ऐसा टी मिल जाएगा जो एफ एक्स से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा, और जो हमारा एक्स है ये उस जी टी एक्स में आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि फंक्शन को देखते हुए। अब देखो अगर एक्स जी टी एक्स में आ गया तो देखो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो है वो यूनियन ऑफ ऑल जी टी में आ जाएगा और टी क्या होगा ए से कम, है ना, क्योंकि एक्स जो है वो अगर जी टी एक्स में आ रहा है, जी टी एक्स का मतलब इन्हीं जी टी की बहुत सारी वैल्यूज है, जी टी वन जी टी टू जी टी थ्री इसी में से जी टी एक्स है, कुछ होगी एक वैल्यू, है ना, क्योंकि जी टी वन जी टी की बहुत सारी वैल्यूज है उसी में से एक वैल्यू क्या है जी टी एक्स। मैंने कहा मान लो एक्स जी टी एक्स में आ रहा है, अगर एक्स जी टी एक्स में आएगा तो सारे जी के यूनियन में भी एक्स आएगा, यही तो हमको प्रूव करना था कि जी सारे एक्स के यूनियन में आ रहा है, ये बात देखो हमको प्रूव करनी थी। तो हमने मान लिया कि ऐसा टी एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि टी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट टी है, तो ऐसा टी मिलेगा, है ना, और टी ऐसे छोटा चाहिए था, देखो मैं टी को ऐसे छोटा मान लिया, लेकिन टी को हमने एफ एक्स से बड़ा माना, क्योंकि टी जो है वो जीरो ए के बीच में है और एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो और ए के बीच